तो भाई फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं, साइकिल उतारने का काम स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत मेहनत वाली काम है यार ये उतार। तो भाई साइकिल ये अंकल को दे दिया है, एक्चुअली अंकल चल नहीं पाते हैं, मैं बोला कि अंकल ये साइकिल रख लीजिए उसके बाद। ये वाला यार इसको डिजाइन बनाने में तो बहुत मेहनत किया हुआ, देखो। नमस्कार भाई और बहनों, सबको स्वागत है और एक प्यारे से रुद्रप्रयाग से हरिद्वार तक निकल चुके हैं हम लोग, और देख सकते हो हम लोग अभी पास में, और छोटू और दीपू मेरे साथ ही है, और वो सो के उठा, रास्ते के सामने ही सोया था, ठीक है, रात को आँख खोला पास करके पहुँच गया, दोरा भागी में, मतलब साइकिल वगैरह डाल लिए तो टाइम ही नहीं मिला वीडियो वगैरह बनाने के लिए। आप देख सकते हो अभी मतलब पहुँचे कुछ इस तरह का जगह में, और हरिद्वार में जाके कुछ कुछ सामान भी लेना है, और हम लोगों का जो एक दोस्त था उसके घर में हम लोगों का दो बैग था वो भी लेने जाना पड़ेगा, तो चलता है क्या होता है देखते हैं। अभी तो हम लोग श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हरिद्वार पहुंचने में। हरिद्वार 90 किलोमीटर था, ठीक है, और आपका इधर भाड़ा बहुत लेता है यार, साइकिल का भी भाड़ा लेता है, 100 रुपया साइकिल का लिया है, आदमी का 300 रुपया लिया है। श्रीनगर भी चले थे, प्रयाग ये सब हम लोग देखे ही नहीं थे, वो जो गंगा आती है ना अलकनंदा और भागीरथी मिलन होती है, उसके बाद गंगा बनती है, वो चीज़ हम लोग को देखने का नहीं मिला, तो वो मिस ही हो जाएगा शायद। हाँ ठीक है, 3 समोसा और उसको क्या चाहिए? अरे उनको मैं समोसा लेने जा रहा हूँ। खाओ पियो ऐस करो मित्रों। देव प्रयाग किस्मत में नहीं था यार, ये देखो गंगा आ रहा है, लेकिन हम लोग ना वो चीज नहीं देख पाए, क्या बोलते हैं अपना जब मिलन होती है ना वो चीज़ नहीं देख पाए, कोई चीज़ ना किस्मत में नहीं होती है, देख नहीं पाते तुम। हरी मेरे सिखाओ भाई पराठा खा रहे हैं, आलू पराठा 70 रुपये, ये तो सर ऊपर में एक पीस का 70 रुपया लगा था। हाँ तो भाई ऋषिकेश तो पहुँच चुका है, लेकिन यार इतना भयंकर धूप है, देखिए बहुत गर्म है भाई इधर, और आसाम में कैसा भयंकर गर्म होगा वही जगह रहा हूँ मैं। तो भाई फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं, साइकिल उतारने का काम स्टार्ट हो चुकी है, बहुत मेहनत वाली काम है यार ये उतारना, इतना भारी है, वो मजे ले रहा है। तो भाई ट्रेन पे मिलता नहीं है भाई हरिद्वार से आसाम तक, तो दिमाग ख़राब ही होकर रखा है मेरा, क्या करूँ। और दीपू का तो इधर से पूरा पूरी जगन्नाथपुरी तक ट्रेन मिल जाएगा, उसका मतलब उड़ीसा का ट्रेन मिल जाता है इधर से, लेकिन आसाम का नहीं मिलता है, आसाम का मिलता है दिल्ली से, तो दिल्ली जाना पड़ेगा। आप सारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कुछ करना पड़ता है यार, मेरा दिमाग ही ख़राब होगा। अभी जाएंगे स्टेशन में, जाके सब काम करेंगे, अभी इसका क्या करेंगे एक अंकल लेगा है उसको दे देंगे, क्योंकि साइकिल उसका है, टायर मेरा है, दीप मेरा है, छोटू उन्हें भी बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, तो ये हो गया डान में, मतलब हम लोगों का यात्रा मंगल में हो, मतलब कि घर तक अच्छी तरह से पहुँच चुका है, तो चलो चल रहा है। तो भाई साइकिल ये अंकल को दे दिया है, एक्चुअली अंकल चल नहीं पाते हैं, मैं बोला कि अंकल ये साइकिल रख लीजिए उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये हो 3 पहिया वाला में एक्सचेंज कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा पैसा तो कम आ जाएगा ना, ये देगा तो पंपर वगैरह लॉक वगैरह सब कुछ है, देख सकते हो पंपर है लॉकर है सब है, बस आप एक कीजिएगा साइकिल दुकान में जाइएगा इसको दे के चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा पैसा आपका दे दीजिएगा बस हो जाएगा। नहीं ये अपना साइकिल है यार, ये हम लोग मंडी लेके गए थे, तो साइकिल तो दे दिया भाई, चलो अब ट्रेन का माठा मारते, पहले हरिद्वार जाएंगे उधर से कुछ कुछ सामान लेना है, मतलब सब बताते रास्ते में, चलो। तो भाई बहुत छोटा छोटा मतलब लिए थे गंगा जल का बॉटल, ये लिया है डस्टी जैसा, बड़ा सबको लेने में सुविधा होता है इसमें, तो हम लोग को नहाया था वो साइड में एक्चुअली, चप्पल खोल तो बहुत ठंडा पानी है, मज़ा आता है इसमें, आराम से बैठो। गंगा के पास मैं बैठा हूँ अभी, थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, लेकिन यार ट्रेन स्टेशन के सामने यार भयंकर गर्म था यार, अभी देखो कितना ले लिया है, गंगा ही गंगा। हरिद्वार में कांवर यात्रा चल रहा था, कितना लोग था भाई, ओ माय गॉड, अभी तो लोग नहीं है, पूरा शांति शांति है। अच्छा सिलम एक लेना, वो भी अच्छा डिजाइन वाला, मतलब
मिलेगा तो संडन का ही लेके जाएगा, संडन का नहीं मिलेगा तो पीतल वीतल जो अच्छा डिजाइन का वो लेके जाएगा, एक लेके जाएगा और एक दोस्त लोगों के लिए लेके जाएगा, ठीक है, देना पड़ेगा वो लोग। तो भाई फाइनली दोस्त लोगों के लिए एक ले लिया, और मेरा पापा तो कुछ मांगता नहीं है लाइफ में, दो ले लिया। कैसा वाला पता है, एक ऐसा वाला लिया है और एक काला वाला ले लिया, एक मोटा वाला इटालियन बोलता है। हाँ ये इटालियन वाला, मतलब थोड़ा डिजाइन वाला था, अभी तो फिलहाल एक ही था वो पीस आया ना, थोड़ा डिजाइन वाला। वो कल रात को पप्पा जी ने फ़ोन करके बोला कब आ रहा है क्या है, बोला मेरे लिए एक स्लिम लेके आना, कुछ और नहीं चाहिए। तो अंकल के पास बहुत तरीके का स्लिम मिला, ये टाइल्स का भी स्लिम मिलता है यार, ये दाम 300 का है। हाँ ऐसा दाम भी है, देखो ओम बोम लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, हम लोग बस मैडम वाला और महंगा है ये सब ये वाला। यार इसको डिजाइन बनाने में तो बहुत मेहनत किया हुआ, देखो भगवान का मूर्ति टाइप का है ना। लस्सी पीने के लिए तरह तरह आटा, सोतू ने कहीं पे दवा ले रहा बट मेरे को खाने नहीं मिल रहा, लेकिन हम दोनों को अभी मिल गया, सोतू को अभी जाकर बताएंगे। यस भाव क्या टेस्टी है वे, मां कसम बहुत टेस्टी है। डेढ़ महीने के बाद अच्छा जी मिला, अमृत के जैसे लग रहा है ना, अमृत जैसा ही लग रहा था। अब खाके देखना, बम बहुत टेस्टी है। काजू वाली है 100 रुपया पान। भाई बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुका है यार, साइकिल इधर से और दिल्ली से और उधर, तो बहुत सारा प्रॉब्लम लिखो अभी सब इसके ऊपर में है। साइकिल लेके जाएगा ना, कैसे लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा ट्रेन? ये ट्रेन का काम भाई सब जानता है, तो टेंशन नहीं है, जो तू करवा लेगा तो अभी स्टेशन तक चलते हैं। और भाई, और भैया आया है, इतना अच्छा आदमी है, फ्री में खिला रहा है यार। भैया फ्री में खिला रहे हो क्या? अरे यार अब तो यार बढ़िया इंसान है यार, भैया कैसे कैसे लोग है यार। हम लोग यार रेल स्टेशन में ही है, मतलब रेल स्टेशन पीछे है, फुटपाथ में अपना बेहतर है, देख सकते हो भाई। ये गाड़ी के ऊपर उठ गया जो ठेला वाला है, उठे ना तो क्या हुआ, हम लोगों का हरिद्वार से ट्रेन नहीं होगा एक नंबर बात, और दो नंबर बात दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली कैसे जाए, अभी साइकिल वगैरह लेके दिल्ली जाना पड़ेगा बस से, वो भी साइकिल लेके नहीं जा सकते, मतलब ऊपर में वो नहीं है साइकिल रखने वाला, तो अभी कुछ दूसरा जुगाड़ कर रहे हैं, होगा कि नहीं देखते हैं, कल सुबह ही पता चलेगा। और हम लोगों का जो कपड़ा वगैरह था वो भाई अभी है ड्यूटी में, अभी ड्यूटी से वो आएगा, आने के बाद ही मतलब देने दे सकेगा, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो उसको भी रुक रहा हूँ, मतलब कि कल सुबह या रात को 12 बजे वो ड्यूटी से आएगा, रात को देने से और सही है, नहीं तो कल सुबह दे दें 9 बजे हम लोग बस से। बस वाले भैया बोला कि कुछ करके घुसा देंगे, मेरा साइकिल थोड़ा मुश्किल है, उसका तो खोल भी सकता है से कब क्या, कभी कभी ऐसा लगता है कि साइकिल वाइकिल थोड़ के चला जाऊँ, मतलब अभी मतलब यात्रा खत्म हो चुकी है, मतलब पैसे नहीं हो रहा है, फटाफट जाना है, कितना सारे काम पेंडिंग है यार, समझ सकते हो तुम लोग। हम लोगों का दोस्त लोग भी आ रहा है, वो लोग भी केदारनाथ जाएगा, दिल्ली पहुँचा है शायद, हरिद्वार स्टेशन तक आएगा, तो हम लोग तो इधर में ही फुटपाथ में बैठा है, कोई टेंशन नहीं, मिल जाएंगे शायद रात को 2-1 बज सकता है, लेकिन मिल जाएंगे। तो कल से मतलब कल रात को जो खाया तब से मतलब चावल वगैरह कुछ खाए नहीं थे, ये आया है चावल करी खा रहा है वो, मैं रोटी का रोटी छोले खाऊंगा, और बहुत बढ़िया माहौल में हूँ अभी, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। भैया ला रहा है रोटी और रोटी, अरे बहुत बढ़िया। चलो अब दबाने का टाइम है भाई।